एक तरफ गुजरात में बीजेपी ने बंपर जीत हासिल कर ली, लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल में बीजेपी की हार ने बीजेपी को बड़ा धक्का दे दिया है। इस हार को बीजेपी ने गंभीरता से ले लिया है और अब पार्टी उन राज्यों को लेकर बेहद गंभीर है जहां लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जहां बीजेपी अंदरूनी गुटबाजी की वजह झेल रही है। यानी साफ शब्दों में कहें तो बीजेपी का पूरा फोकस राजस्थान और कर्नाटक पर है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक दक्षिण का एकमात्र राज्य है जहां बीजेपी सरकार में है और भाजपा नेतृत्व ने ये संकेत दे दिए हैं कि गुटबाजी खत्म करने के लिए वो सख्त से सख्त कदम उठा सकती है। तो वहीं राजस्थान में अभी भी कांग्रेस की सरकार है जो कि गुजरात के करीब है। बीजेपी उत्तर गुजरात के जरिए राजस्थान की सत्ता में सेंध लगाना चाहती है और उसके लिए रणनीति भी अपना रही है। राजस्थान और कर्नाटक दोनों ही राज्य ऐसे हैं जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मौजूदा स्थिति ऐसी है कि वहां गुटबाजी से बीजेपी परेशान चल रही है। दोनों राज्यों का प्रभार पार्टी महासचिव अरुण सिंह के पास है और हर महीने इनका लगभग आधा समय दोनों राज्यों में गुजरता है। दोनों नेताओं को एकजुट करने और जनता तक पहुंच बनाने की तमाम तरह की चुनौतियां बीजेपी के सामने हैं। हिमाचल में मिली हार को पचा पाना भाजपा के लिए कोई आसान काम नहीं, क्योंकि ये पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह राज्य होने के नाते काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ की गुटबाजी की लड़ाई पहले से ही चर्चा में थी। पहले ही बीजेपी से 21 नेता बागी तेवर दिखा चुके थे और चुनावी मैदान में खड़े 9 बागियों ने बीजेपी को हराने का काम किया। कांग्रेस भले ही भाजपा से महज 0.9% वोट ज्यादा पाकर सत्ता में आने में सफल रही हो, लेकिन सच्चाई ये भी है कि भाजपा के वोट पिछले चुनाव में 6% से ज्यादा घट गए, जबकि कांग्रेस के 1.8% वोट ही बढ़े। दक्षिण राज्य कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भाजपा ने वरिष्ठ नेता बीएस येदुरप्पा को किसी तरह से मनाकर मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए मना तो लिया था, लेकिन नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के साथ पार्टी की एकजुटता नहीं दिख पा रही है। बात करें अगर राजस्थान की तो राजस्थान में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की कड़ी नसीहतों का कुछ असर तो हुआ है, लेकिन वसुंधरा राजे खेमा अभी भी मुख्यमंत्री पद के चेहरे की मांग को बरकरार रखे हुए हैं। दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का समर्थक खेमा भी सक्रिय रहता है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी आलाकमान जल्द ही कर्नाटक और राजस्थान में कुछ सख्त कदम उठा सकता है ताकि चुनावों के समय कोई गड़बड़ी ना हो सके। खासतौर पर राजस्थान में काफी कुछ चीजें समय से पहले ही तय कर लेने की उम्मीद है। वही मध्य प्रदेश में खेमेबाजी तो नहीं है, लेकिन नेताओं के अंदरूनी मतभेद काफी गहरे हैं। खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने के बाद उनके समर्थकों के साथ सामंजस्य को लेकर दिक्कतें बनी हुई हैं। नगर निगम चुनावों में इसका असर भी दिख चुका है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।